हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग विजुअल आर्ट के नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। हम लोग टू पार्ट में 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इस थर्ड पार्ट में हम लोग 60 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों के बीच में एक इन्फॉर्मेशन है, अभी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था इसका आंसर की नेट के द्वारा जारी किया गया था, उस पर हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किए थे और वो तीनों क्वेश्चन को मान लिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन किया जाता है कि अगर आप लोगों से क्वेश्चन पेपर मांगा जाए सर्वप्रथम, तो आप लोग जल्दी दे दिया कीजिए। परंतु आप लोगों ने लेट किया था, फिर भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिए थे सर्वप्रथम और वो ऑब्जेक्शन सही हो गया है। तो फिर से जो आंसर की आई है वो संशोधित हो गई है और सभी लोगों को 3 क्वेश्चन को मान लिया गया है। तो आप लोग ध्यान से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो सभी लोग, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के बीच में जो 61 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था वो इस प्रकार था कि फोल्डर विज्ञापन की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों के बीच में जो 4 विकल्प दिया गया था, तो फोल्डर जो होता है वो विज्ञापन की प्रत्यक्ष मेल के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 62 नंबर का देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा तत्व प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। दोस्तों, आप लोगों के बीच में जो 4 विकल्प दिया गया था उसमें से बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, एक्वा टिंट जो होता है वो प्रिंट मेकिंग से संबंधित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2। हम लोग देखेंगे 63 नंबर का क्वेश्चन। 63 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो अभिकथन वाला था और इसमें दिया था कि श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय भारतीय समाज में गरीबी और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए जनता के मध्य सामाजिक परिवर्तन और जागृति उत्पन्न करने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, बिल्कुल सत्य कथन है। जैसा कि आज आप लोग टेलीविजन को देख रहे हैं, वो टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जो श्रव्य और दृश्य प्रचार का बहुत ही फेमस माध्यम है। जैसे कि आप लोग देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट या किसी प्रकार का विज्ञापन होता है, वो आप लोगों के बीच में टेलीविज़न के माध्यम से प्रस्तुत होता है, जिससे समाज में गरीबी और बुराइयों के उन्मूलन के लिए एक बहुत ही फेमस माध्यम होता है। और इसी से क्या होती है, जनता क्या होती है, उसके अंदर जागृति उत्पन्न होती है। तो कथन जो दिया हुआ है एकदम सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका तर्क दुआ हुआ, क्योंकि श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय को केंद्रीय समाचार की मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्य करने का कार्य सौंपा गया है, ये बिल्कुल सत्य है। तो अभिकथन और तर्क दोनों सत्य हो जाएंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, जो 64 नंबर का क्वेश्चन था वो था कि जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाया था। तो दोस्तों, जसरोटा के राजा बलवंत सिंह का जो छवि चित्र था उसको बनाया था नयन सुख ने, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 65 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन। दोस्तों, प्रथम युद्ध के बाद जो कला आंदोलन उत्पन्न हुआ था और आप लोगों के जो बीच में 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा दादावाद, जो कि दादावाद एक जर्मन शब्द है और दादाबाद का जो स्थापना होती है वो 1916 ईस्वी में जर्मनी में होता है और दादाबाद एक जर्मन शब्द है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 2। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि मूर्तिकारों को वरिष्ठता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करिए। दोस्तों, इसमें बेर्निनी, ब्रुनेलेस्ची, हांसन और मातिस का क्रम दिया गया है। हम लोग देख लेते हैं इनके क्रम को। दोस्तों, जो बेर्निनी का जो समय होता है अर्थात जो जन्म होता है वो 1598 में होता है। ब्रुनेलेस्की का जो जन्म होता है वो 1377 में होता है। दोस्तों, जो हांसन का जो जन्म होता है वो होता है 1925 ईस्वी में और हेनरी मातिस का जो जन्म होता है वो 1869 ईस्वी में होता है। अगर हम लोग क्रम की बातें देखेंगे तो पहले ब्रुनेलेस्सी आएंगे, उसके बाद जो आएंगे वो बेर्निनी आएंगे, उसके बाद जो आएंगे वो मातिस आएंगे और फोर्थ में लास्ट में आएंगे हांसन। तो हम कह सकते हैं बी, ए, डी और सी 66 नंबर का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर का क्वेश्चन। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे। दोस्तों राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक जो थे वो थे डॉक्टर ग्रेस मुरले। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। आइए देखते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो 68 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि शेरशाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना है। दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में स्थित है और इसकी भूतल की जो योजना है वो अष्टभुजा कार है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 69 नंबर का क्वेश्चन कि अजंता की कौन सी गुफाएं अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ऑप्शन में जो दिया हुआ है, पहला 29 गुफाएं बिल्कुल सही है, 5 चैत्य गुफाएं बिल्कुल सही है, सभी बिहार गुफाएं बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि अजंता की गुफाएं में कुल संख्या थी 30 और उसमें 5 गुफाएं जो थी वो चैत्य थी और 25 गुफाएं जो थी वो बिहार थी, सभी गुफाएं जो बिहार नहीं थी। तो सी जो होगा वो गलत हो जाएगा और डी जो है वो श्री फर्गुसन द्वारा संख्या दी गई। तो बिल्कुल सही है, 69 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा वो ए बी और डी सही हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था कि ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग। तो दोस्तों ये जो लिखा गया था ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग ये जापानी कलाकार होकुसाई द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों 71 नंबर का क्वेश्चन जो आया था वो है इस प्रकार की कलाकृति ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया था। बहुत ही इजी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्लू सर्कस जो है वो मार्क सकल के द्वारा निर्मित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 72 नंबर का क्वेश्चन कि ऑफसेट प्रिंटिंग किसका प्रभाव देता है। दोस्तों जो ऑफसेट प्रिंटिंग है वो जो आप लोगों के बीच में एग्जैक्ट आंसर हो जाए वो एग्जैक्टली सेम अर्थात प्रभाव देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 73 नंबर का क्वेश्चन कि कागज का अंतरराष्ट्रीय आकार है और ऑप्शन में दिया हुआ है A1 साइज, A2 साइज सही है, डेमी साइज नहीं और क्राउन साइज नहीं। तो इसमें A1 साइज और A2 साइज सही हो जाएगा अर्थात A और B राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 74 नंबर का क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि मेजो टिंट और ड्राई पॉइंट में साक्षा घटक है। दोस्तों मेजो टिंट और ड्राई पॉइंट ये प्रिंट मेटिंग के बहुत ही फेमस टेक्निक थे और इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो मृदुता है। तो राइट आंसर 2। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों 75 नंबर का क्वेश्चन था कि किसी विज्ञापन अभियान की आवश्यक तैयारी के लिए सही क्रम की पहचान कीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ 4 विकल्प, बाजार अनुसंधान, सृजनात्मक रणनीति, निर्माण और उपभोक्ता की प्रति पुष्टि। तो ये सही क्रम में लगे हुए हैं, ए बी सी और डी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 76 नंबर का क्वेश्चन कि सन 1941 में अमेरिकी मूर्तिकार लुइस नेवेल्सन ने निम्न में से किस में प्रयोग किया था। दोस्तों लुइस नेवेल्सन जो थे वो 1941 में अमेरिका के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और इन्होंने अपनी मूर्तियों में जो पारंपरिकता इनकी मूर्तियों में जो दिखती है वो काइनेटिक स्कल्पचर अर्थात गत्यात्मक मूर्ति और इनकी मूर्तियों में प्रकाश और ध्वनि का प्रभाव भी दिखता है। तो राइट आंसर सी और डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 77 नंबर का क्वेश्चन कि पुनर्जागरणकालीन चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो पुनर्जागरणकालीन चित्रकला थी वो रेखी परिपेक्ष, छाया प्रकाश योजना और स्वाभाविक आकार ए बी और डी सही हो जाएंगे और सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का क्वेश्चन कि स्मारकों का सही कालक्रम बताना है। आप लोगों को दिया हुआ है ऑप्शन में अलाई दरवाजा, ताजमहल, गोल गुंबज और हुमायूं का मकबरा। दोस्तों अलाई दरवाजा जो है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1311 ईस्वी में हुई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट दिया हुआ है ताजमहल, आप सभी लोगों को मालूम है कि ताजमहल यूपी की आगरा में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1653 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है गोल गुंबज,
आप लोगों को मालूम है कि ये बीजापुर में है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1656 ईस्वी में हुई थी। और हुमायूं का मकबरा सबको मालूम है कि नई दिल्ली में है, ये 1553 में हुई थी। तो अगर हम लोग क्रम की बात करेंगे तो सर्वप्रथम आ जाएगा अलाई दरवाज़ा, क्योंकि 1311 है। उसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा डी, फिर आ जाएगा बी और लास्ट में आ जाएगा सी। इसका क्रम ये हो जाएगा, ए डी बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, 79 नंबर का क्वेश्चन है कि कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल है, और आप लोगों के बीच में चार विकल्प दिया गया है, कंकाली टीला मथुरा, भरहूत, संघोल और पेशावर। तो इसमें कुषाण काल के दौरान जो पल्लवित और पुष्पित हुए बौद्ध स्थल थे उसमें थे कंकाली टीला मथुमरा का, संघोल और पेशावर, भरहूत नहीं था। तो राइट आंसर ए सी और डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 80 नंबर का क्वेश्चन था वो इस प्रकार था कि उट्स कला श्रृंखला किसकी है। दोस्तों उट कला जो श्रृंखला थी वो अनुपम अरे सॉरी सोमनाथ होर की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर का क्वेश्चन कि चार रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, और आप लोगों के बीच में चार विकल्प दिया था। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा 4, विशेष रंग। 82 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है। तो दोस्तों ये गुप्तकालीन सुल्तानगंज से जो प्राप्त बुद्ध की कांस्य प्रतिमा थी ये ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों जो 83 नंबर का क्वेश्चन है कि कलाकारों का सही कालक्रम चुने। दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है मैसेचियो, दोनातिल्लो, बोतिसेली और एंडियोटेल वेरेचियो। मैसेचियो का जो जन्म होता है वो आप सभी लोगों को मालूम है कि 1401 ईस्वी में होता है। दोनातिल्लो का जो जन्म होता है वो 1386 में होता है। बोतिसेली का जो होता है वो 1446 में, और वेरेचियो का जो होता है 1435 में। अगर इनके क्रम की बात करेंगे तो सर्वप्रथम आ जाएंगे दोनातिल्लो अर्थात बी, फिर उसके बाद जो आएंगे वो आएंगे मैसेचियो ए, उसके बाद आ जाएंगे बेरेचियो डी, और सबसे लास्ट में आ जाएंगे सी बोती चिल्ली। इसका क्रम ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग देखेंगे 84 नंबर का क्वेश्चन कि केजी सुब्रमण्यम जाने जाते हैं। दोस्तों केजी सुब्रमण्यम जो जाने जाते हैं वो चित्रकार, मूर्तिकार और छापाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का क्वेश्चन कि चैडविक क्या थे। दोस्तों चैडविक जो थे वो ब्रिटेन के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर का क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क 1913 में आयोजित आर्मरी शो नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको जो आयोजित किए थे वाल्ट कोहने और आर्थर डेविस ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों 87 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था कि कागज का सही आकार ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन में दिया हुआ था रॉयल, आइवरी, इंपीरियल और A6 कागज। तो मैंने आप लोगों के बीच में क्रम लगा दिया था। जो रॉयल कागज का जो आकार होता है वो 25x20 होता है, आइवरी का जो होता है 22x28, इंपीरियल का जो होता है 22x30 और A6 का जो होता है 4.1x5.8। तो इसका क्रम ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 88 नंबर का क्वेश्चन था वो इस प्रकार था कि निम्न में कौन चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। दोस्तों इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होंगे वो चिंतामणिकर, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार थे, उसके बाद भावेश चंद्र सान्याल भी थे, सुनील पाल थे और ये माधव भट्टाचार्य नहीं थे। तो
ए बी और सी राइट हो जाएंगे। हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को। 89 नंबर का क्वेश्चन था, सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना था, आकृति मैंने सुमिलित कर दिया है। आकृति जो होती है टू डायमेंशन होती है अर्थात द्विआयामी, रूफ फॉर्म जो होती है त्रिआयामी, मान जो होता है जिसको बल भी कहते हैं वो वर्णतीव्रता का फीकापन और गहरापन होता है, सही है। और एकता जो होती है यूनिटी, पूर्णता की प्रतीति और बोध होता है, तो ये इसका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन, दोस्तों प्लेनोग्राफी किस छपाई प्रक्रिया से संबंधित है? तो सभी लोगों को मालूम है कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है सेरीग्राफी, इंटेग्लियो, लेटर प्रेस और रोटोग्राफियर, तो प्लेनोग्राफी जो छपाई की प्रक्रिया से संबंधित है वो है सेरीग्राफी। तो ये रहे दोस्तों राइट आंसर, ए हो जाएगा, ये हो जाएंगे 90 क्वेश्चन। जो आप लोगों के 10 क्वेश्चन आए हुए थे वो फिगर पे आधारित थे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उन 10 फिगरों का नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कर दूंगा। और इसमें दो पेंटिंग दी हुई थी और उसमें से एक पेंटिंग पे 5 क्वेश्चन और दूसरे पेंटिंग पे 5 क्वेश्चन आए हुए थे। आप लोगों का कमेंट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन पेंटिंगों का आप लोगों को क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। तो ये रहे 90 क्वेश्चन, और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।